नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 27 मई बुधवार शाम 4:15 बजे राजस्थान की टॉप खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। अलवर से भरतपुर बाइक पर अपनी रिश्तेदारी में आ रहे दो भाइयों से बाइक सवार 4 बदमाशों ने 5 लाख रुपए लूट लिए। पीड़ितों के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण इकट्ठे हो गए और एक आरोपी अलवर गो चौकी रामगढ़ निवासी फारूक पुत्र रेशम को पकड़कर पेड़ से बांध दिया। उसे लूटी हुई राशि भी बरामद कर ली। आरोपी के 3 अन्य साथी फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि दोसेरस यूपी निवासी निसार पुत्र दीनू अपने भाई अरशद के साथ अलवर से 5 लाख रुपए लेकर कंगला का पास में आ रहा था। रास्ते में दो बाइकों पर सवार बदमाशों ने मारपीट कर 5 लाख रुपए लूट लिए। राजस्थान के चूरू जिले में शराब को लेकर दो गुटों में भिड़ंत हो गई। यह घटना भलेरी थाना क्षेत्र में हुई, जिसमें 2 जनों के घायल होने की जानकारी मिली है। पुलिस ने बताया कि नरपत सिंह और गोगा सिंह को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसके बयानों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। राजधानी जयपुर की गलता घाटी में पेड़ पर फंदे से लटकता हुआ महिला का शव मिला है। सूचना के बाद क्षेत्र में लोगों में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर गलता गेट थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना कर महिला के शव को उतराकर सरकारी अस्पताल की मोर्ची में रखवाया है। महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है, पुलिस शिनाख्त के प्रयास कर रही है। अजमेर जिले के रामगंज थाना इलाके में सुभाष नगर रेलवे फाटक के निकट ट्रेन की चपेट में आने से 67 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया है। प्रारंभिक तौर पर सामने आया था कि रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान हादसा हुआ है। पुलिस ने बताया कि देवनगर स्कूल के पास बयावर रोड निवासी भागचंद पुत्र किशन चंद रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आ गया था। भरतपुर शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस की ओर से शहर के प्रमुख चौराहों पर विशेष अभियान चलाया गया। इस मौके पर शहर के कुम्हेर गेट, हीरादास चौराहा, रेड क्रॉस सर्किल, बिजलीघर चौराहा, काली की बगीची, सारस चौराहा, सूरज पोल चौराहा, कन्नी गुजर चौराहा, राजा मानसिंह सर्किल, यातायात चौराहा सहित 14 पॉइंटों पर 106 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान 7 वाहनों को जब्त किया गया है, जबकि 99 वाहनों के चालान काटे गए। बूंदी जिले के हिंडौली में नदी में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार लकड़ेश्वर महादेव के पास बिजान नदी में 2 युवक नहाने गए थे, जिनकी डूबने से मौत हो गई। एक युवक को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाल लिया गया है, जबकि दूसरे युवक के गहरे पानी में चले जाने के कारण बाहर निकालने में समस्या आ रही है। बाहर निकाले गए युवक रवि मीणा को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जालौर जिले में डिस्कॉम टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभाग को लगातार बिजली चोरी की शिकायतें मिल रही थी। जालौर टीम ने सांचोर कस्बे के रिको एरिया में इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए वाटर प्लांट में लाखों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी है। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र के बिजली चोरी करने वालों में हड़कंप मच गया। अलवर जिले के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने बहरोड एसडीएम को नोटिस जारी किया है। जानकारी के अनुसार बहरोड के एसडीएम संतोष मीना को श्रमिकों के मामले में अव्यवस्था करने पर नोटिस जारी किया गया है। एसडीएम श्रमिकों को समय पर स्टेशन नहीं पहुंचा सके थे, जिस कारण श्रमिकों के कैंप में विवाद हो गया था। झालावाड़ जिले के अकलेरा भोपाल मार्ग पर नेशनल हाईवे 52 पर गुलखेड़ी गांव के पास नागौर से हैदराबाद की तरफ जा रही वाहन अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिर गया। इसमें 9 श्रमिक घायल हो गए, जिनमें घायल जयराम, रामचंद्र, गोविंद, ओम प्रकाश और चालक पुखराज को झालावाड़ के लिए रेफर कर दिया गया है, जबकि घायल सुरेंद्र कुमार, राजेंद्र, मुकेश और दयाराम को सीएचसी में उपचार जारी है। वहीं श्रमिकों को कहना है कि वे लॉकडाउन के कारण 25 दिन पहले ही हैदराबाद से नागौर अपने गांव आए थे, लेकिन फैक्ट्री शुरू होने की सूचना मिलते ही वापस हैदराबाद जा रहे थे। भरतपुर जिले के गांव जटोली कदीम में दहेज में कार सहित लाखों की नकदी की फरमाइशों को पूरा नहीं करने से नाराज ससुराली जनों ने नवविवाहित युवती की जान ले ली और शव फंदे पर लटका दी और युवती के पीहर पक्ष को बगैर बताए शव के अंतिम संस्कार की भी तैयारियां कर ली। खबर मिलते ही परिजनों के साथ पहुंचे पिता की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस शव को कब्जे में लेकर डीगराज के चिकित्सालय ले आई, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। 2 दिन बाद 29 मई को शादी की पहली वर्षगांठ थी। मृतका के पिता कुम्हेर थाना अंतर्गत गांव तालफरा निवासी हिम्मत सिंह की रिपोर्ट पर पुलिस ने पति विश्वेंद्र, ससुर हरवीर, सास ज्ञानवती, देवेंद्र,
देवर सुरेश हरिओम अंशु के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। ससुराल जन फरार हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.